आज नेपाल भी जो है कुछ इलाके अपने इलाके पिथौरा जिले उत्तराखंड के जो पिथौरा जिला है उसके कई इलाके जो अपने नेपाल के इलाके हैं ऐसा कह रहे हैं, और नेपाल भी अभी भारत को आंख दिखा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। भारतीय जनता पक्ष और नरेंद्र मोदी, इनकी जो विदेश नीति है उस पर अभी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2014 के इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी ऐसे कहते थे कि मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, कहीं जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, नेशनल इंटीग्रिटी जो है उसको बचाए रखूँगा, नेशनलिज्म को बचाए रखूँगा। लेकिन उनकी 10 साल के काल में जो मित्र राष्ट्र थे वो अब मित्र राष्ट्र नहीं दिखाई देते, धीरे धीरे वो देश के खिलाफ जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो श्रीलंका हो, ये भी अब भारत के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं। रही बात नेपाल जो अपने साथ में था, आज नेपाल भी जो है कुछ इलाके अपने इलाके पिथौरा जिले उत्तराखंड के जो पिथौरा जिला है उसके कई इलाके जो अपने नेपाल के इलाके हैं ऐसा कह रहे हैं, और नेपाल भी अभी भारत को आंख दिखा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। एक तरफ से चाइना ने घेरा हुआ है, पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, तालिबान की सरकार जो है वो भारत सरकार के साथ में नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर की ओर से, वो कोई सावधानी दिखाई नहीं देती है। मालदीव जैसे बेट है कि जहाँ पर पहले सरकारों ने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का एक बेस बनाया हुआ था, ये सरकार उसको बरकरार नहीं कर पाई, और आज दिखाई देता है कि आधे से ज़्यादा आर्मी और एयरफोर्स दोनों को भारत में रिलोकेट करने की ज़रूरत हुई है, और हो सकता है कि महीने डेढ़ महीने में पूरी एयरफोर्स और आर्मी का यूनिट जो है वो मालदीव भी छोड़ने की परिस्थिति पर है, ऐसा है। हम लोग ये पूछते हैं कि भैया मालदीव के माध्यम से भारत जो है एक सी सिक्योरिटी की ओर देख रहा था, अब हम लोग की सरकार से पूछ रहे हैं कि भैया मालदीव ने आपको भगाने के बाद और आपने संबंध ख़राब करने के बाद आप जो है इस प्रदेश की सिक्योरिटी कैसे देखते हो। इस पर जो है मैं समझता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ने एक पेपर निकालना चाहिए, वाइट पेपर निकालना चाहिए, और देश के नागरिकों को आगाह करना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को बचाएंगे, ऐसी परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूँ कि जो NRIs है कि जिनका सपोर्ट पहले मोदी को काफ़ी मिला, लेकिन आज जिन राष्ट्रों में हैं उन राष्ट्रों ने इन नागरिकों के बारे में संदेह व्यक्त करना शुरुआत किया कि ये हमारे राजनीति में दखल अंदाज दे रहे हैं, और भारतीय सरकार जो है इनको इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जहाँ जहाँ भारतीय है वहाँ पर भारत के खिलाफ एक परिस्थिति उभरते हुए दिखाई देती है, और वहाँ के जो भारतीय नागरिक थे लेकिन अब उस देश के नागरिक हो गए हैं वो भयभीत हो चुके हैं। यहाँ का जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास जो है, मैं इस मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी परिस्थिति देखना चाहते हो कि जो भारतीय गए हैं कई वजह से गए हो, कई शिक्षा के लिए गए कि नौकरी के वजह से गए कि और किसी वजह से गए, क्या उनको वहाँ उस देश से बाहर निकाला जाए। मिडिल ईस्ट जैसे देश है कि जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या पर इंडियन काम करते हैं, अब उनके यहाँ भी एक नई सोच आनी शुरुआत हुई है कि नेटिव पॉपुलेशन मतलब उस देश की पॉपुलेशन और बाहर के देशों की पॉपुलेशन, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, इस पर उन लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत भारी नुकसान जो है वो भारतीयों को होगा और भारत को होगा। ऐसे वक्त ये जो मिडिल क्लास है, ओपिनियन मेकिंग क्लास जो है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बाहर के विदेश के लोग जो बसे हुए हैं उनको बचाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को बचाने के लिए
आप भारतीय जनता पक्ष के खिलाफ मतदान दीजिए, वोट दीजिए, धार्मिक किया जाए, धार्मिक के वजह ना देखते हुए देश की सिक्योरिटी को प्राधान्य दीजिए, ऐसा मैं इनसे आग्रह करता हूँ। लद्दाख के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, लद्दाख में भी प्रॉब्लम है, मतलब चाइना घुसपैठ कर रही है, वहाँ के लद्दाखी लोग भी वहाँ से चिल्ला रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी चिल्ला वहाँ पर घुसपैठ हो रही है, लेकिन ये सरकार जो है वो किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं ले रही, ऐसी वहाँ के लोगों की बयानबाजी है। थैंक यू।